अस्सलाम दोस्तों, आज जो है वो दोबारा फिर अचानक से जो है ये टोलहतान में स्नो शुरू हो गई है और हेवीली स्नो हो रही है। और ये जो है अभी जो वेदर अपडेट देखी है तो ये 2 से 3 दिन जो है वो इस तरह होती रहेगी वक्तन वक्तन, तो देखते हैं क्या होता है। मगर ये आज सुबह से शुरू हुई है और ये देखें ये लेवल है स्नो का, अभी ये शुरू हुई है और चल रही है। तो ये जो है आज जो भी वेदर दिखा रहा था ये पूरा दिन चलती रहेगी और देखते हैं फिर जो है वो कब ख़त्म होती है। मगर इतनी स्नो और मार्च में एक्सपेक्टेड नहीं था, हम ये सोच बैठे थे कि अब जो है वो चलेंगी, कम से कम बर्फ़ से जान छुट्टी। और जो है अब थोड़ा बहुत सर्दी थी तो वो भी अप्रैल में ये था कि चलो चली जाएगी, मगर ये दोबारा से सीन शुरू हो गया और देखें हर तरफ जो है वो सफेद ही सफेद है। रूटीन के मुताबिक बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, जब सुबह जा रहे थे तो बर्फ इतनी नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी, और जब ये आएंगे तो बर्फ जो है वो बहुत ज्यादा होगी। अभी तो वो स्कूल में 2-3 घंटे और हैं और 2-3 घंटे इस तरह होती रही तो आप समझ सकते हैं कि कितना काम होगा। ये देखें दोस्तों, यूरोप अच्छा है, दूर के ढोल सुहाने, मगर बहुत मुश्किल है यहाँ पर जो है वो जो जिंदगी है वो बहुत मुश्किल है, स्पेशली विंटर में। मगर ये है कि समर में जो है वो बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। मगर समर वो रहता वही है 3-1 महीने के 4 महीने, मगर ज़्यादातर जो है ये विंटर तो बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं जो है वो अब खिड़की बंद करने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जैसे ये बर्फ़ पड़ना ख़त्म हो जाएगी तो फिर बच्चे कहेंगे कि चलें जी बाहर चलें और जो है वो बर्फ़ पर खेलना है, वो स्लाइड करते हैं, वो क्या कहते हैं वो जो बर्फ़ वाले स्नो स्लाइडर होते हैं प्लास्टिक के, वो लगा कर उस पर स्लाइड करते हैं, खेलते हैं, स्नोमैन बनाते हैं स्नो के साथ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपस में स्नो बॉलिंग जो मतलब कि एक दूसरे को लगा लगा के खेलते हैं। तो जब ये स्नो ख़त्म होगी तो फिर बच्चे कहेंगे चलिए जी बाहर खेलते हैं, वो तो भागते दौड़ते रहेंगे गर्म रहेंगे, मगर हम जो पेरेंट्स हैं वो जो है उधर कांपते रहते हैं जब तक बच्चों का दिल भरे और हम घर जाएं। चलें दोस्तों अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।